नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद गुना जिले के भ्रमण पर आ रहे हैं। इस दौरान महामहिम महोदय के भ्रमण को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था बदल दी गई है। महामहिम के भ्रमण के दौरान दिनांक 29/4/2018 को प्रातः 11 बजे से अशोकनगर से गुना की ओर जाने वाले समस्त वाहन शाड़ोरा से नई सराय म्याना होकर एबी रोड से गुना पहुँचेंगे। इसी प्रकार ग्वालियर की ओर से अशोकनगर की ओर जाने वाले समस्त वाहन म्याना से नई सराय शाड़ोरा होकर अशोकनगर की ओर जाएंगे। इसी दौरान अशोकनगर से हनुमान चौराहा गुना की ओर आने वाले समस्त वाहनों को अशोकनगर की ओर जाने वाले समस्त वाहनों के आवागमन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। रेलवे स्टेशन गुना से घोसीपुरा होकर कैंट की ओर आने वाले व जाने वाले मार्ग के आवागमन को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। तेलगानी व शुभम होटल से हनुमान कॉलोनी घोसीपुरा आदर्श कॉलोनी की ओर आने वाले व जाने वाले मार्ग का प्रातः 10 बजे से आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। विवेक कॉलोनी से कब्रिस्तान कैंट रोड, कालापाटा से कैंट रोड, ऊपरी बाजार, गुलाबगंज, आयकर भवन चौराहा से बलीबाबा तिराहे से हनुमान चौराहे की ओर जाने वाले कैंट की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन आवागमन को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। हाट रोड से कैंट की ओर, हनुमान चौराहे से रिलायंस पेट्रोल पंप, तिराहे से गोपाल मंदिर की ओर आने वाले व जाने वाले यातायात को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। अम्बेडकर चौराहे से खेल प्रशाल कार्यक्रम के स्थल की ओर आने वाले समस्त प्रकार के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था संजय स्टेडियम में की गई है। एसपी ऑफिस व पुलिस लाइन की ओर आने वाले आवागमन को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। राष्ट्रपति के आने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है जो दिन रात नगर की सुरक्षा में लगे हुए हैं। हवाई अड्डे से हनुमान कॉलोनी तक के रास्ते में जो भी घर पड़ते हैं उनमें रहने वाले लोगों की डिटेल तैयार की जा चुकी है। वहीं हनुमान कॉलोनी की सड़कों को चमकाया जा चुका है। इसके साथ ही जयस्तंभ चौराहे को एक बार फिर से छोटा कर दोबारा से बनाया गया है। महामहिम के रास्ते में आने वाले सभी छोटे बड़े मार्गों को कई बार साफ करवाया जा रहा है। Okay.
के गुना दौरे के दौरान गुना को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का शिलान्यास किया जाएगा, जो महामहिम राष्ट्रपति अपने हाथों से करेंगे। इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए नगर पालिका सीएमओ मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में सीएमओ बुंदेला ने जानकारी दी। मोनू जो महामहिम राष्ट्रपति जी स्मार्ट सिटी का शुभारंभ करेंगे, उसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। स्टेज वस्टेज सब कंप्लीट है, कुर्सी टेंट फेंट सब ओके व्यवस्था है। यहाँ पर नगर पालिका द्वारा ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, नगर पालिका द्वारा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं मिनी स्मार्ट सिटी का शुभारंभ किया जाएगा, तो मिनी स्मार्ट सिटी में क्या क्या परिवर्तन? अब वो उसमें इस टाइप दिखाएंगे, उसमें देख लेना। कल के कार्यक्रम को लेकर पूर्ण तैयारियाँ? पूरी तैयारी है। अचानक लगी बीज निगम में आग, बड़ा हादसा होने से टला। एबी रोड पर बीज निगम की नरवाई में आग लग जाने से आग आसपास भी फैल गई। पास में ही लगे बांसों ने भी आग पकड़ ली। इस आग पर बहुत ही मुश्किल से काबू पाया जा सका। विगत दिनों जच्चा खाने में हुई बच्चे की मौत के बाद अब प्रसूता की भी मौत हो गई है। बता दें कि 22 तारीख को एक प्रसूता के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसे परिजन डॉक्टर की लापरवाही से होना बता रहे थे। परिजनों का आरोप था कि बच्चा आधा बाहर आने के बाद भी कई घंटों तक डॉक्टर नहीं आए, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन की दखल के बाद महिला को ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जिसकी मौत भी आज हो गई। वहीं समाजजनों ने आज चक्का जाम करने का प्रयास भी किया, जिस पर एसडीएम दिनेश चंद शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया, जिस पर एसडीएम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को जांच कर सजा दिलाने की बात भी कही। लग जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, दो दिन लग जाए, तीन दिन लग जाए, जाँच हो उसकी बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें सर उसमें तत्काल भी हैं, FIR भी हो सकती है सर। उस दिन भी रात में हॉस्पिटल में बात हुई थी, वो चीज़ देखो उसमें करेंगे। तो पहले जांच के बिना जांच आज करवा लेंगे, फिर इसके बाद जो टैक्स आप प्रोजेक्ट कराएंगे। आपकी सेंटीमेंट से मैंने करा दिया है, सामने सब लोग खड़े हुए हैं। बनती है लापरवाही के तहत पहले बच्चे की देख लेंगे, इसके बाद वो सीजर जो हुआ था उसमें बच्चे जो प्रसूता के अंदर पूरी क्लीनिंग नहीं की गई है। कंटिन्यू 3 दिन तक ग्वालियर में उनके नाक से नली डाल के, तो दुखद बात सर आपके दुखद कहने से। उस दिन भी आपने दुखद कहा था, ग्वालियर में टाइम करा दिया है डेथ के संबंध में, हो गया रिपोर्ट, हो गई निवेदन पाया जाता है कि वो किस वजह से खत्म हो गया, उसमें कहीं मर्डर या किसी की लापरवाही भी पाई जाती है तो अपन उसमें प्रकरण बनाते हैं, पुलिस को जांच करने का अधिकार हो जाए। सर ये उसमें डिलीवरी केस था, डिलीवरी केस में अनियमितताएं जो बरती गई हैं, कौन सिद्ध करेगा? तो वो सिद्ध देखो पुलिस उनसे PM कराती ना कि आप बताओ। 3.5 घंटे
घंटे तक डिलीवरी में बच्चा आधा अंदर और आधा बाहर है, उसको भी सिद्ध करना पड़ेगा कि इसके लिए बच्चा मरा है। तो सर ऐसे तो कोई सिद्ध भी नहीं कर पाएगा। तुमने भी नहीं देखा? हाँ हमने भी नहीं देखा। कंटिन्यू कलेक्टेड कॉल किया है, कलेक्टेड कॉल किया है और वहाँ से जवाब क्या मिलता है? समझते हो उसके बाद? सर मैं कानून समझता हूँ इसीलिए कर रहा हूँ, ये लोग नहीं समझते इसके लिए चुप खड़े हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है, एक मिनट सुनो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपका बयान एक जगह कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है आपको मान लो, उन पे भरोसा नहीं है, उन पे भरोसा नहीं। आपका बयान एक जांच के तहत रिपोर्ट कौन कर रही है? पुलिस। आप लिख के दो ना कि साहब उस बयान में 3.5 घंटे उस दिन डला रहा है जिस वजह से इसकी माँ की तबीयत भी खराब हो। सर ये बयान लिख के दिया है, कहाँ कहाँ दिया मैं बता रहा हूँ आपको। कलेक्टर साहब को दिया है, कनेल साहब एडीएम साहब को दिया है, रिटर्न में दिया है, पुलिस जांच की बात और हॉस्पिटल तो 3 जगह दिया है सर उन्होंने। सर के पास छोटे बच्चे देखते भाई जांच करना हम जी नहीं चाहते क्योंकि सर आपसे इंसाफ की उम्मीद है सबको कि आप इंसाफ करेंगे। इस प्रकार की घटनाएं होती है, कोई पहला केस नहीं है। निश्चित मैं इतने लोगों को डेड बॉडी को क्यों जलाना था? ये एक्चुअली क्या है, कुछ समय 5-7 दिनों पूर्व एक मुस्लिम महिला की डिलीवरी के समय उसके बच्चे की डेथ हो गई थी। तो इन लोगों का ये आरोप है कि वहाँ पर जो उसको प्रॉपर मेडिकल केयर मिली उसके कारण बच्चे की डेथ हो गई और डॉक्टर चौरसिया लेडी निशा चौरसिया हैं उनके खिलाफ ही कार्यवाही की मांग कर रही है। मैंने ज्ञापन दिया है और चूंकि महामहिम का कार्यक्रम है कल तो परसों के बाद मैं इसमें जांच करूंगा और निष्पक्ष जांच करूंगा। सर माँ की डेथ का कुछ कारण समझ में आया? अब ये तो इन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं है, ये तो रेफ़र हो गई थी और शायद ग्वालियर में इनकी डेथ हुई है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो अब यदि वो कोई पोस्टमार्टम हुआ होता तो जानकारी होती, अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। जाँच के दौरान ये सारे मुझे मालूम पड़े। महामहिम राष्ट्रपति के आने के चलते जो मार्ग परिवर्तित किए गए हैं उनके बारे में कोई सुध तक नहीं ली गई कि वो मार्ग सही है या नहीं। ऐसे में म्याना से नई सराय मार्ग की स्थिति बद से बदतर है। इस सड़क का काम पिछले 3 माह से बंद पड़ा हुआ है। वहीं अक्सर इस रोड पर एक्सीडेंट होते रहते हैं क्योंकि इस रोड पर बनी पुलियाओं को खोद कर छोड़ दिया गया है। साथ ही मुरम के चलते यहाँ पर वाहनों का चलना भी मुश्किल होता है। वहीं देखा जा रहा है कि जो बहुत थोड़ी रोड बनी हुई थी उसके साइड से भी सरिये निकल रहे हैं जिससे बड़ी दुर्घटनाओं की स्थिति भी बनी रहती है। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।